नमस्ते यहाँ पर आज हम एक ऐसी वनस्पति देखने जा रहे हैं वो जगह जगह पर दिखती है मिलती है ऐसे रेलवे लाइन के बाजू में भी ये बहुत सारे आपको पेड़ मिल जाएंगे पेड़ नहीं होता इसका बुश होता है छोटा गुजरात में इसकी खेती होती है लेकिन वो बीज है उससे तेल निकालते हैं कोई चार पत्ते तोड़ के ले जाएगा तो कोई बोलने वाला है नहीं लेकिन ऐसे भी आप एक आध पौधा लगा दीजिए घर के आजू बाजू में कहीं कॉर्नर पर अपनी जगह न हो तो भी वो बढ़ता रहेगा और उसके चार पत्ते सब को कॉलोनी में जा रहे थे वहाँ काम आ जाएंगे क्या बात है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियाँ सूखने वाली तो है और जॉइंट जो है वो कड़क होते हैं कठिन हो जाते हैं तो इसको दुखा तैयार हो जाता है दर्द बहुत हो जाता है और सहन नहीं होता इस तरह से ये बहुत सबको ही लगभग होता है अभी स्त्रियाँ हैं उनको ये अधिक होने का संभव है क्योंकि वो खड़ी भी ज़्यादा रहती है और उनका थोड़ा सा शरीर ऐसी व्यवस्था है कि इनके शरीर में ये जल्दी बन जाता है इसके लिए ये जो है एरेंड एरंडी ऐसे कोई दिवेली भी बोलते हैं इसको तो ये जो है ये पत्ता जो है लेना और इसका काम देखिए क्या होता है और कैसे होता है सब दुख दूर हो जाएगा और आप ऐसे इसको ठीक रखोगे और ठीक ढंग से इस्तेमाल करोगे और पेट में जो है वो भी शायद इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपको हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं होगा इसका वो यूज़ कैसे कर करते हैं अभी वो पहले देख लेते हैं कि ये शांति तेल है शांति तेल जो है ये संतुलन बनाते हैं इसका नाम ही शांति है वो जलाता नहीं है वो क्या होता है जलन होता है तो दुख थोड़ा कम होता है तो इस ऐसा काम नहीं है करता ये दो तीन दिन अंदर एक दफ़े उतरना शुरू हो गया कि दुख दूर करता है और वो ल्युब्रिकेट करता है और रोग को ही दूर करता है लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाता है और उम्र भी ज़्यादा बढ़ी है तो ये हिरंडी का उपयोग भी कर सकते हैं तो ये क्या करना है शांति ऑयल पहले जहाँ जॉइंट है उस पर लगाना हड्डी पर यहाँ जहाँ है और ये जो इसको भी थोड़ा शांति ऑयल लगा लेना इसको तवे पर गर्म कर लेना और ये पत्ता जो है वो पूरा वो जॉइंट पर रख के उसको जो है वो आप सेकना तो ये थोड़ा सेक कम हो गया फिर एक दफ़े गर्म करके सेकना इस तरह से इसको सेक देने से काम होगा अभी ज़्यादा फिर भी आपको कोई अधिक इलाज चाहिए तो इसका जो है वो कूट लेना और ये जो है वो पत्ते का जैसे ये गोला बन जाएगा थोड़ा तो कपड़े में डालना उसमें थोड़ा शांति होगी इसमें भी डालना और ये पूरा गर्म करके उससे सेकना या उसका जो पेस्ट है वो थोड़ा ऊपर लगा के लेप लगा के ऊपर पट्टी बांध देना इससे देखिए क्या है घरेलू इलाज लेकिन एक दफ़े ये आप दर्द जो है वो निकाल देंगे तो बाद में आपको चिंता ही नहीं है और साथ साथ में ये एरेंडा मूल है तो आप जो है वो एरन भी ले सकते हैं तो आ चार कप आप पानी लीजिए एक कप दूध लीजिए और ये एरन डमूल कूट के थोड़ा भिगा के रखना रात को और अंदर डाल दीजिए और इसको उबाल के एक कप जब दूध रह जाएगा तो छान लीजिए और अंदर एक थोड़ी शक्कर चाहिए तो डाल के वो पी जाइए इससे भी बहुत ही फ़ायदा और जो ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के दूसरे भी जैसी बीमारियां हैं हड्डियों की वो सब में ये बहुत काम आएगी और इसका इलाज जिसने किया है और साथ साथ में यदि समझिए खारिख का दूध भी लेते रहे तो सौ साल तक आपकी इलास्टिसिटी हड्डियाँ वगैरह सब ठीक रहेगी और आप आराम से जी सकेंगे